Hello everyone, you are most welcome to science class. Today study very very important chapter, that is safety and first aid. Safety means suraksha or first aid means pratham chikitsa kya hota hai. So in this video we study about safety. सेफ्टी सुरक्षा क्या होता है. तो फर्स्ट वी नो सेफ्टी फ्रॉम फायर, मतलब आग से कैसे सुरक्षा करेंगे. तो आग से सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक. हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैचस्टिक से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट गो नियर फायर, मतलब जहाँ आग हो वहाँ क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. खाना बनाते समय क्या करना चाहिए, डू नॉट वियर नायलॉन क्लॉथ, नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए. या फिर जब भी खाना बना लें उससे पहले क्या करना चाहिए, गैस जो है उसको ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. इससे क्या हो सकता है, गैस लीकेज करता है. यदि गैस लीकेज कर रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको खुला पानी रखना चाहिए. नेक्स्ट सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, क्या पढ़ेंगे, सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कैसे बचा जा सकता है. तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी वेट हैंड से स्विच या प्लग को नहीं छूना चाहिए. नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस विदाउट एडल्ट हेल्प, मतलब छोटे बच्चों को खास तौर से क्या करना चाहिए, जब तक कोई बड़ा ना हो तब तक हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को नहीं छूना चाहिए. या फिर फ्लोर फर्स्ट जो गीला हो उस पे खड़े होकर क्या करना चाहिए, कोई भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए. इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. अधिकतर जो रोड एक्सीडेंट होता है केयरलेसनेस के कारण होता है, असावधानी के कारण होता है, या फिर ट्रैफिक रूल को फॉलो न करने के कारण होता है. इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कभी भी हम लोगों को अगर रोड पे चल रहे हैं तो फुटपाथ पे चलना चाहिए. यदि फुटपाथ नहीं है तो रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए. नेक्स्ट है जो हमेशा हमें रोड जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए. यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले दोनों साइड देखना चाहिए, कोई ट्रैफिक तो नहीं है तो क्या करना चाहिए, यदि रोड खाली हो तो रोड को क्रॉस करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है नेवर प्ले ऑन रोड, हमें क्या करना चाहिए, कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेफ्टी फ्रॉम वाउंडेड कट. वाउंड एंड कट मतलब चोट लगने से या फिर कहीं कट जाता है उससे कैसे बचेंगे, तो इससे क्या करना चाहिए, कोई भी साफ चीज, नीडल ब्लेड सीजर ये सब क्या बच्चों से दूर रखना चाहिए. या फिर जब बच्चे यूज़ करें तो एडल्ट के हेल्प से ही यूज करना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी साफ चीज़ें हैं उस बच्चों को दे दें, उससे क्या हो सकता है, कट सकता है.
वाउंड और कट से बचने के लिए सबसे ज़्यादा केयरलेसनेस की ज़रूरत होती है। सावधान रहें, इससे इसका यूज करते समय भी सावधान रहें। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेफ्टी फ्रॉम पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग से कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो मोस्टली जो केमिकल्स होते हैं या फिर मेडिसिन होती हैं, दवाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं, जब एक्सपायर कर जाती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कभी कभी तो डेथ भी हो सकता है अगर वो दवा खाने तो। इसीलिए हम लोग को कोई भी दवा खाने से पहले क्या करना चाहिए, उसका चेकअप कर लेना चाहिए कि ये सही है या फिर नहीं, या फिर डॉक्टर से पूछ के कोई भी दवा का यूज़ करना चाहिए। बिना बड़ों के हेल्प से क्या करना चाहिए, कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए। कभी कभी फूड से भी पॉइजनिंग हो जाता है, मतलब ख़राब जैसे फूड खाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में वो पॉइजनिंग का कार्य करता है। इसलिए हम लोगों को क्लीन फूड खाना चाहिए और ताज़ा फूड खाना चाहिए ताकि कोई भी उसमें पॉइजनिंग ना आए। या फिर हमें कोई भी फूड को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, रखना चाहिए, तो उसको कवर करके रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, कोई भी कीड़े आएंगे उसमें क्या करेंगे, पॉइजनिंग फैला सकते हैं या फिर गंदगी फैलाएंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग के बॉडी में पॉइजनिंग हो सकता है, होगा। फर्स्ट वी नो अबाउट फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड जानने से पहले फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो क्या होगा जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स है जिसमें कुछ दवाएं या फिर जो भी मतलब प्रथम चिकित्सा के लिए किया जाता है वो यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट तो डेटॉल का क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक बॉटल होना चाहिए, ये सीजर होना चाहिए और एंटीसेप्टिक सोप होना चाहिए और मेडिसिंस होना चाहिए कुछ, जैसे दर्द की, बुखार की, ये सब दवाएं, बैंडेज होना चाहिए। तो ये क्या है, जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो सभी घरों में, विद्यालय में या फिर ऑफिस में क्या होता है, होना जरूरी होता है। तो आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही डॉक्टर अराइव, मतलब फर्स्ट हेल्प जो दिया जाता है डॉक्टर के पास जाने से पहले, जो घर पे हम लोग उपचार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड कहा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंसेक्ट बाइट, यदि इंसेक्ट काट लेता है तो क्या फर्स्ट एड करेंगे। तो जानते ही हैं जब कोई इंसेक्ट काट लेता है वहाँ पर बहुत क्या होता है, दर्द फील होता है, तो उस दर्द को क्या करने, कम करने के लिए क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का पेस्ट यूज करेंगे या फिर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करेंगे, कोल्ड क्रीम का यूज करेंगे, ताकि उसका जो जलन होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, उससे राहत मिल जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट एड टू कोई पर्सन घायल हो जाता है उस टाइम क्या फर्स्ट एड करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो सबसे पहले तो उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ताकि वो जो पेशेंट होता है वो भीड़ को देखकर क्या हो सकता है, घबरा जाता है, और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ नहीं होना चाहिए। शांति का माहौल होगा तो पेशेंट क्या होगा, उतना परेशान नहीं होगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, जहाँ पे चोट लगी है उसको ठंडे पानी से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक
जैसे में आ जाएगा डेटॉल, इसका यूज करेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और उसको बैंडेज से क्या करेंगे बांधेंगे और तब क्या करेंगे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो ये हुआ फर्स्ट एड जब कोई भी पर्सन इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है। नेक्स्ट है वेन क्लोथ कैच फायर। यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ ले तो क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? तो उस व्यक्ति को मतलब दौड़ना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, जमीन पे लेट जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आग होगा वो कम जलेगा। जैसे ही दौड़ेंगे तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा मिलने लगेगी और आग और तेज पकड़ने लगेगी। इसलिए फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, अगर किसी के कपड़े में आग पकड़ ले तो सबसे पहले उसको जमीन पे लिटा देना चाहिए और जिस साइड मतलब जल रहा है उसको ऊपर करना चाहिए ताकि उस पार्ट में क्या करें, उसके बाद उस पार्ट में मोटे कंबल से क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए ताकि आग क्या हो जाए, आसानी से बुझ जाए। उसके बाद जो जला हुआ पार्ट है, कोई व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा, जल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, पैनिक दर्द महसूस होगा, तो उसको ठंडे पानी से धुलना चाहिए ताकि उसमें का जो जलन है वो समाप्त हो जाए। जो सेंसेशन हो रहा है जलने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है, तो उसको ठंडे पानी से धोएंगे तो उसका जलन जब समाप्त हो जाएगा। तो ये एंटीसेप्टिक का यूज करना चाहिए जिसका नाम है बर्नाल। बर्नाल ये क्या होता है, जलने के जो व्यक्ति जल जाता है उस पर यूज करने के लिए बहुत ही बेस्ट दवा आती है। अब क्या करेंगे, मेन हाउस कैच फायर। यदि घरों में आग लग जाती है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, बुलाएंगे। अगर उससे आने से पहले क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से मदद लेंगे ताकि वो क्या करे, बाल्टी से पानी फेंके ताकि आग बुझ जाए। यदि आग बहुत ज़्यादा ना लगी हो, थोड़े मात्रा में हो, तो क्या करना चाहिए, तो जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर है उसका यूज करेंगे तो थोड़ी सी आग बुझाने के लिए वो क्या होता है, बेस्ट होता है, अच्छा होता है।